क्या बात है सुबू जी, एक बार फिर तालियां सुबू जी के लिए। बहुत बहुत प्यारी गज़ल गाई आपने, आज जाने की जिद ना करो। अब मैं दावत दूंगा, मैं एक्चुअली इंतज़ार कर रहा था, यहाँ आप सुन रहे हैं DBP की नॉन फिल्मी गाने और गज़लों की के ट्रिब्यूट्स आप सुन रहे हैं, हमारी रिक्रिएशंस ऑफ दीज ग्रेट ग्रेट सॉन्ग्स। तो मैं इंतज़ार कर रहा था पिछले 5 घंटे से कि इस सिंगर की, इस फनकार की, गुलूकार जिनकी गज़ल एक्चुअली भजन गाने के लिए निशिकांत आने लगे हैं, इनकी बारी कब आएगी। अनूप जलोटा, क्या बात है, एक से एक बेहतरीन उन्होंने गज़लें गाई हैं और भजन गाए हैं। तो उन्हीं में से एक भजन अब निशिकांत आकर आपको सुनाएंगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। आइए निशिकांत जी। थैंक यू। सो ये चौथा गीत है, आई थिंक दिस इज फोर्थ राउंड। सो पहले राउंड में जो मैंने गाया था, एक कव्वाली गाई थी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, उसमें फलसफा ये है उसका कि मैं अपने आप को बता रहा था कि कभी ना कभी ढलना है, तो ये मेरे लिए था वो गीत। और बाद में मैंने मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे एडमिन साहब का, जो इन्होंने एक थीम रखी, राइट, जिससे हमें ऐसे गीत गाने को मिले। और मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना एक भजन भी गाया जाए, बिकॉज वो भी नॉन फिल्मी होता है। तो बहुत ढूंढने के बाद भी मैंने ये अच्छा सा एक भजन लिया है, तो कोशिश करूँगा। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती है, हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लग लगी रे लगन, लग लगी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी धुन गाने लगी, बहलों में
पनिक जोगनी चली महलों में पली, पनिक जोगनी चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसला भी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसला भी लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी पली पनिक जोगनी चली 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 बन के जोगन चली महलों में पली पनिक जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसला भी लगन मेरा हो गई मगन मेरा हो गई मगन अंतिम पंक्ति यह है आनंद दीजिएगा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगे ऐसला भी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे महलों में पली पनिक जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहाने लगे ऐसला भी लगन मेरा हो गई मगन ऐसला भी लगन मेरा हो गई मगन ऐसला भी लगन मेरा हो गई मगन थैंक यू निशी बहुत ही खूब गाया यार क्या बात है वाह मज़ा आ गया ये माहौल
जैसे जैसे वक्त ढलता जा रहा है, बल्कि अब तो कल का दिन जब हमने शुरू किया था ये शो अपने यहाँ के फैंस के लिए और अपने ऑनलाइन फैंस के लिए, उस बात को भी एक दिन गुजर गया है, क्योंकि अब 12 बजे के बाद का वक्त हो गया है, 12:30 होने वाले हैं, लेकिन हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपको सुनाने के लिए आ रही हैं स्वागतिका। गीत है 1973 की फिल्म में आशा जी ने बहुत खूबसूरत गीत गाया था, सजना है मुझे सजना के लिए। उसको 2004 में रीमेक किया गया था, वैशाली समंत ने रीमेक किया था। तो ऑफ कोर्स ये हम यहाँ डीबीपी आपको नॉन फिल्मी गीत सुना रहे हैं, तो स्वागतिका आएंगी और आपको सुनाएंगी वैशाली समंत की वर्जन ऑफ सजना है मुझे सजना के लिए। It's fine. Time.
थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त स्वागत का, क्या बात है, सजना है मुझे सजना के लिए। Yeah, it was, it's sometimes a remake makes sense, right? Because it's completely different. It may be, it might have its roots in the same place, but it's a completely different song, and that's what this song was. Very, very well done, Swagtika. Again, different than the original. Next up, Sammy ji aayenge, aur aapko sunane lage hain ek ye Bengali gana. Bahut zabardast geet hai, Nayan Sheroshi Keno. Yeah, sorry, main Bengali nahi bolta, but I did stay at a Holiday Inn Express last night. wonderful, wonderful song. Ye Mukul Dutt ki likhai hai, lekin mausiki is geet ki Kishore Da ne hi di hui hai. Bada purana, mere khayal mein mid-70s mein ye release hua tha. Bahut khoob geet, Sammy ji, aaiye aur hame sunaiye ye geet. ये किशोर दा का बंगाली एल्बम सॉन्ग है। अच्छा, गाना ट्रैक बस आ रहा है। तो सेमी, ये गाना ऑफ कोर्स बंगाली में है, एंड यू नो, मैं अक्सर कहता हूँ कि मौसीकी की ज़बान नहीं होती, राइट? कि ऑब्वियसली यहाँ पर आई डोंट नो कि मेरे दो तीन लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं होगा जिसको बंगाली समझ आती हो, बट आई एम एब्सोल्युटली श्योर। बट इट्स अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग कंपोज्ड बाय दादा हिमसेल्फ, एंड इट्स अ वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन। इट्स रिलीज्ड इन 1972. It was an album where all the songs are sung by Dada. It was an album which was released in Durga Puja, and all the songs are super hits. But this is one of them, and it is a very dear song to me. Wonderful. We're looking forward to it. Thank you. Thank you. নয়ন সরসি কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসি কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসি কেন বেদনার খুলি তুমি দাও ভালোবেসে বহু, বেদনার খুলি দাও ভালোবেসে বধু। ফুল ফোটা বাড়ি ছলে আমি ভরে দেব মধু, সারা মন কেন তুমি চোখে সাজালে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসি কেন জনম সকল হবে বধু আর ঘরে শরমের আড়ালে দেখা যাবে ফুল সা, নিশিরাতে বিরহের
ताके बीरो हेरो बाशियोर के बाजाय भालो बेश कैनो बोधु आजो शुधु के दे जाय सेधे सेधे कैनो तुमी मरोनो निले कतो की रोएछे लेखा काजले काजले नयन सरसी केन धरेछे जले कतो की रोएछे लेखा काजले काजले नयन सरसी सैमी बहुत ही ज़बरदस्त यार. एज आई सेड मुझे लफ्ज़ तो मुश्किल से दो समझ आए हैं उसमें से, लेकिन आई थोरली थोरली स्टूड देयर एंड एन्जॉयड द ब्यूटी द मेसमराइजिंग ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक कंपोजिशन एज वेल एज ऑफ कोर्स आपकी जो अदायगी थी, क्या बात है. वेरी वेरी नाइस. नेक्स्ट अप आई एम गोना रिक्वेस्ट सैमी का बेटर हाफ गौतमी यहाँ आए. ये कभी कभार होता है कि ये गौतमी और सैमी इकट्ठे नहीं गाते, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज ओकेजन्स. तो इस बार गौतमी का साथ देने के लिए आ रही हैं स्वागतिका. आशा एंड फ्रेंड्स जो एल्बम 2006 में पाँचवें या छः में आई थी, जिसमें से आपने अभी पहले एक गाना और सुना था, एक ही गाया ना अभी, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, तो उसी एल्बम में से ये गीत. इसमें ओरिजिनल आवाज़ें हैं आशा जी और उर्मिला मटोन मट आई कैन से हर लास्ट नेम. I was close. I doubted myself. मुझे अपने आप को डाउट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गलत भी हूँ तो मैं गलत होता हूँ गलत होने के बारे में. सो बहरहाल स्वागतिका और सैमी आइए यहाँ पर और हमें ये गीत सुनाइए. ओह आई एम सॉरी सैमी नहीं, स्वागतिका और गौतमी आइए यहाँ पर. सॉरी ये यहाँ सामने खड़े थे, मैंने कहा कि यही गाने के लिए तैयार हैं, गौतमी की जगह आशा जी की आवाज़ में सैमी गाएंगे. हाँ ट्राई कीजिए, वो माइक नहीं छोड़ रहे. लगता है सैमी को स्वाति हो गया है, हाथ से माइक छूट ही नहीं रहा. आइए चेक.
तो ये थी डीबीपी की महबूबा भी और दिल रुबा भी, गौतमी और स्वागतिका, क्या खूब गाया इन्होंने ये गीत। थैंक यू सो मच स्वागतिका और गौतमी। नेक्स्ट अप जूली जी की, हमारी होस्ट जो हैं उनकी बारी है एक बार फिर से। वो आने लगी हैं 1998 की तरफ, आपको लेकर जाएंगी। बहुत जाना पहचाना नाम इंडियन पॉप म्यूज़िक में भी, और उन्होंने फिल्मी गाने भी बहुत गाए थे। फल्गुनी पाठक, जिन्होंने 1998 में अपनी डेब्यू एल्बम रिलीज़ की थी याद पिया की आने लगी, तो उस एल्बम का टाइटल गीत गाने के लिए जूली आ रही हैं यहाँ पर, चूड़ी जो खन की हाथ में। एक हाथ है या दो हाथ हैं? दोनों हाथों, हाथों में। एक चूड़ी एक ही हाथ में खनक सकती है, दोनों में नहीं खनक सकती। एक चूड़ी दो हाथों में नहीं खनक सकती, एक चूड़ी को एक ही हाथ में खनकना चाहिए। I don't even know who is next. All right, चलिए। तो मेरे ख्याल में जूली की, मनोज आप गाकर सुना दीजिए जूली जी को कि तेरी किस्मत में गाना नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ। जब भी इनकी बारी आती है टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बारी आ जाएगी, बस थोड़ी देर की बात है। फ़िलहाल मैं दावत दूंगा कैलाश को कि यहाँ आए स्टेज पर और आपको गीत सुनाएं। ये क्या प्यारा गीत था, आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू दिस। कैलाश भी थोड़े परेशान हो गए हैं कि अभी तो बारी नहीं थी उनकी, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएंगे और बहुत भरपूर अंदाज में आपको सुनाएंगे मिले हो तुम हमको। हाँ कैलाश, नो प्रेशर, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग दिस। All right, here we go, Kailash. Really?
किस्मत की लकीरों